क्या टू फिंगर से ज्यादा थ्री फिंगर में हेडसेट लगता है? तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अभी बता रहा हूँ, बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आज का वीडियो टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग ने पता कर लिया होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आज का वीडियो होने वाला है टू फिंगर कस्टम एचओडी और थ्री फिंगर कस्टम एचओडी के बीच में कंपेरिजन। क्या टू फिंगर कस्टम एचओडी में सही हेड लगता है या फिर थ्री फिंगर कस्टम एचओडी में सही हेड लगता है? तो उससे पहले आप लोग सारे बंदे इस वीडियो पे 20 के लाइक एम है, 20 के लाइक एम कर देना। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है हम, तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर देना। तो ज्यादा आप लोग का टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले टू फिंगर कस्टम एचओडी में किस लेवल का गेम प्ले होता है एक बार देख लो। तो देखो गाइस, टू फिंगर कस्टम एचओडी में भी सही सही हेडसेट लग रहा है। क्या आप लोग का टू फिंगर कस्टम एचओडी में भी मेरा तरह कस्टम एचओडी है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो? क्या आप लोग ने भी इसी तरीके से टू फिंगर कस्टम एचओडी सेट करके रखे हो? अगर रखे हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। तो मैं अभी टू फिंगर कस्टम एचओडी में कुछ अलग अलग बटन भी ऐड कर रहा हूं, जैसे कि स्विच बटन हो गया, ग्लोवाल बटन हो गया एक्स्ट्रा, और हमारा लेफ्ट फायर बटन है इनेबल करके रखा हूँ, जो कि टू फिंगर कस्टम एचओडी में ज्यादातर बंदे इसी तरीके का कस्टम एचओडी बनाते हैं। और ये वाला कस्टम एचओडी मेरा वन ऑफ द बेस्ट कस्टम एचओडी है टू फिंगर कस्टम एचओडी में जब मैं प्ले करता हूँ। तो अभी देखो, कस्टम एचओडी तो मैंने बना लिया, अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ। एक कस्टम एचओडी में ना मैं सेंसिटिविटी रखा हूँ जनरल 80 का और रेड डॉट रखा हूँ 0, यानी कि मैं इसी सेंसिटिविटी में थ्री फिंगर कस्टम एचओडी बनाकर भी खेलने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं टू फिंगर कस्टम एचओडी में क्या क्या फायदा होता है। देखो, टू फिंगर कस्टम एचओडी में फायदा यह होता है कि आप लोग सीएस कस्टम और साथ ही में बीआर रैंक पे भी एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाते हो। और दूसरी चीज, आपका मूवमेंट स्पीड स्लो तो होता है, लेकिन एक्यूरेसी उस लेवल का होगा कि आप लोग भयंकर भयंकर हेडशॉट मार सकते हो। और अगर आप लोग को स्पोर्ट प्लेयर बनना है तो आप लोग को थ्री फिंगर फोर फिंगर कस्टम एचओडी में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग टू फिंगर कस्टम एचओडी में बहुत ही अच्छा टेक्निक लगाकर गेम प्ले बना सकते हो अगर आप लोग स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो तो। तो देखो, मैंने कस्टम एचओडी बना लिया टू फिंगर वाला, अब एक बार गेम प्ले भी करके देखते हैं। तो गाइज, मैं ना अपोनेंट पे रखने वाला हूँ टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेलने वाला बंदा, क्योंकि मैं भी टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेल रहा हूँ, वो भी टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेलेगा, तो एक्यूरेसी सेम लेवल का होगा। अब देखना है कि टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेलने वाले बंदे का एक्यूरेसी सही होता है या फिर मेरा एक्यूरेसी सही होता है, जो कि मैं भी टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेलने वाला हूं। अब एक चीज आप लोग सुन लो कि टू फिंगर कस्टम एचओडी में होता क्या है कि जिस तरीके का ओपोनेंट आपका होगा उसी तरीके का मूवमेंट और एक्यूरेसी आपका भी होगा। अब देखो, कई सारे बंदे थ्री फिंगर फोर फिंगर कस्टम एचओडी में खेलते हैं, वो लोग एकदम फास्ट खेलना जानते हैं, लेकिन ओपोनेंट में कुछ ऐसा स्लो खेलने वाला बंदा आ गया तो आप लोग जितना भी फास्ट खेल लो लेकिन आपका मूवमेंट भी स्लो ही दिखेगा, क्योंकि आप भी स्लो स्लो ही खेलने लगेगी। आपका ओपोनेंट जिस तरीके का होगा आपका गेम प्ले भी उसी लेवल का होगा, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। इसलिए हमेशा आपके ओपोनेंट पे आपसे भी ज्यादा अच्छा खेलने वाला प्लेयर के साथ आप 1v1 या फिर 1v4 प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप लोग का गेम प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखो, अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्विच बटन जो है, स्विच बटन से फायर करते ही स्विच बटन का यूज करके मैं बंदे को वन टैप मार रहा हूँ। अगर मैं स्विच बटन का यूज नहीं करता तो मेरा हेडशॉट उतना ज्यादा नहीं लगता। आप लोग भी टू फिंगर कस्टम एचओडी में स्विच बटन का यूज करके वन टैप बहुत बढ़िया मार सकते हो। ये बात है कि आपका थ्री फिंगर कस्टम एचओडी से कम मूवमेंट होता है टू फिंगर कस्टम एचओडी में, लेकिन जो एक्यूरेसी होता है टू फिंगर कस्टम एचओडी में वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो गाइज, क्या आप लोग भी टू फिंगर कस्टम एचओडी में सेम अभी जिस तरीके का मैंने गेम प्ले किया है उसी लेवल का गेम प्ले कर सकते हो, या फिर आप लोग टू फिंगर कस्टम एचओडी में खेलते हो या फिर थ्री फिंगर कस्टम एचओडी में खेलते हो, लाजमी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना।
अब बात करेंगे थ्री फिंगर कस्टम एचडी में। तो थ्री फिंगर कस्टम एचडी में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो पे क्या लाइक कर चुके हो? अगर नहीं किया तो देखो भाई जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं एकदम आप लोग जो वीडियो बनाने के लिए बोलते हो वही वीडियो में बनाकर लेके आता हूं। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है हम। अब देखो टू फिंगर कस्टम एचडी में मैंने जो सेंसिटिविटी रख के खेला था जनरल 80 एंड रेड डॉट 0, सेम सेंसिटिविटी में मैं एक कस्टम एचडी बनाने वाला हूं थ्री फिंगर कस्टम एचडी। तो आप लोग देख सकते हो जो थ्री फिंगर कस्टम एचडी में मैं खेलता हूँ, जिस थ्री फिंगर कस्टम एचडी में मैंने खेलकर मेरा मूवमेंट स्पीड और मेरा एक्यूरेसी वगैरह सब लोग आपको पसंद है, उसी कस्टम एचडी में खेलूंगा मैं और देखेंगे कि क्या टू फिंगर कस्टम एचडी से ज्यादा मेरा मूवमेंट हाई होगा और एक्यूरेसी भी क्या उसी लेवल का होगा। चलो आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो कस्टम एचडी तो मैंने सेट कर लिया, अब बारी है मेरे को खेलने का। तो अभी आप लोग देखो गेम प्ले कि किस लेवल का गेम प्ले होने वाला है थ्री फिंगर कस्टम एचडी में। और गाइज मैं बताना चाहता हूँ टू फिंगर कस्टम एचडी से ज्यादा थ्री फिंगर कस्टम एचडी बेस्ट होता है कि नहीं। देखो टू फिंगर कस्टम एचडी में आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा, थ्री फिंगर कस्टम एचडी में आप लोग का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। जब आप लोग किसी को इंप्रेस करना चाहोगे मूवमेंट से तो आप लोग थ्री फिंगर कस्टम एचडी में खेलोगे तो आपका बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखेगा और आप लोग का एक्यूरेसी भी उस लेवल का बन सकता है जैसे कि टू फिंगर कस्टम एचडी में एक्यूरेसी बना है, उसी लेवल का आपका थ्री फिंगर कस्टम एचडी में एक्यूरेसी बनेगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और थ्री फिंगर कस्टम एचडी में खेलने का फायदा क्या होता है कि आप लोग थ्री फिंगर से बहुत जल्दी जल्दी हर एक बटन को मूव कर पाओगे और इसी के चलते आप लोग का मूवमेंट स्पीड भी बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो गाइज आप लोग को टू फिंगर कस्टम एचडी में खेलना पसंद है या फिर थ्री फिंगर कस्टम एचडी में खेलना मेरे को ये भी बता देना, हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। और पिछले वाले वीडियो में मैंने स्मूथ ग्राफिक और अल्ट्रा ग्राफिक पे कंपैरिजन किया था, बहुत सारे बंदे ने अच्छा प्यार दिया है, आई होप आप लोग ये वीडियो पे भी बहुत अच्छा प्यार दोगे। तो आप लोग जो भी बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो ये थ्री फिंगर कस्टम एचडी का है, क्या आप लोग भी थ्री फिंगर कस्टम एचडी में शिफ्ट होना चाहते हो? जैसे कि बिगिनर से लेकर प्रो प्लेयर तक कैसे बने, जिस तरीके से मैं थ्री फिंगर कस्टम एचडी में शिफ्ट होने के लिए पहले क्या क्या करता था और अभी आप लोग मेरा एचडी देखते हो कि किस लेवल का मेरा कस्टम एचडी बना है। तो नूब से लेकर प्रो प्लेयर बनने के लिए कौन सा एचडी सही होता है थ्री फिंगर एचडी में शिफ्ट होने के लिए, ये जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता देना, शर्माओ मत, बता सकते हो, उसी टॉपिक में वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो थ्री फिंगर कस्टम एचडी और टू फिंगर कस्टम एचडी में मेरा सबसे बेस्ट है थ्री फिंगर कस्टम एचडी, क्योंकि इस पे मुझे एक्यूरेसी भी मिलता है, मूवमेंट भी मिलता है और मैं इससे क्लास स्क्वाड रैंक भी खेल सकता हूँ, क्लास स्क्वाड यानी कि कस्टम रूम भी खेल सकता हूँ और फुल मैप पे भी बहुत ही अच्छा खेल पाता हूँ। तो फुल मैप का बात कर रहे हो तो थ्री फिंगर कस्टम एचडी से ज्यादा टू फिंगर कस्टम एचडी में फुल मैप का गेम प्ले अच्छा होता है, क्योंकि मूवमेंट उतना ज्यादा करने का नहीं होता टू फिंगर कस्टम एचडी में और फुल मैप पे उतना ज्यादा मूवमेंट दिखाने की अभी कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से हम कस्टम खेलते हैं उसमें टू फिंगर वाले प्लेयर का गेम प्ले और थ्री फिंगर प्लेयर वाला गेम प्ले आसानी से हम जान पाएंगे, क्योंकि थ्री फिंगर कस्टम एचडी में हाई मूवमेंट के साथ एक्यूरेसी देखने को मिलेगा और टू फिंगर कस्टम एचडी में मूवमेंट कम और एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगा। और टू फिंगर खेलने वाला बंदा सबसे ज्यादा जंप शॉट का ट्राई करेगा, क्योंकि टू फिंगर में सिर्फ दो उंगली से हमें बटन चलाना होता है और राइट साइड पे होता है ज्यादातर बटन जैसे कि सीट बटन, जंप बटन और फायर बटन, और लेफ्ट पे होता है सिर्फ रनिंग बटन, लेफ्ट फायर बटन और ग्लू वॉल बटन। ज्यादातर बंदे इसी एचडी पे खेलते हैं टू फिंगर कस्टम एचडी, आप लोग भी इसी एचडी में खेलते होंगे ज्यादातर बंदे मुझे पता है। तो देखो टू फिंगर कस्टम एचडी में खेलते ही थ्री फिंगर कस्टम एचडी में मैंने गेम प्ले आप लोग को दिखा दिया, मेरा किस लेवल का गेम प्ले बनाया वो भी आप लोग को पता चल चुका है। तो अब आप लोग मेरे को बस ये बताओ कि आप लोग कौन से फिंगर पे खेलना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो आएगा टू फिंगर से थ्री फिंगर कस्टम एचडी में हम कैसे शिफ्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर लेना, सारे बंदे सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, 20 के लाइक, ये मैंने पहले भी बोला था। हर एक दिन मैं लाइव करता हूँ, लाइव पे आओ गिल्ड टेस्ट देने के लिए और लाइव पे आके मेरे साथ टीम कोड के साथ खेल भी सकते हो यार, लाइव पे आओ। अगर आप लोग मेरा फुल मैप का गेम प्ले डेली देखना चाहते हो मेरा सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि फोर फ्लैग ब्रदर्स करके सेकंड चैनल है, उस चैनल पे जाके आप लोग सारे बंदे सब्सक्राइब कर देना, 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और वो चैनल पे भी मैं डेली एक्टिव हूँ। तो मेन चैनल पे भी फोकस करो, सेकंड चैनल में फोकस करो, सारे बंदे प्यार दो। मैं आज के वीडियो एंड कर रहा हूँ मेरे भाई लोग, लव यू भाई, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय 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 बाय।